हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप बहुत बढ़िया होंगे। सो पिछली जितनी भी मैंने रॉक राइडर पर वीडियोस डाली उस पर मुझे 2-3 कमेंट्स ऐसे आए थे कि प्लीज़ ST100 पर रिव्यू कवर करना। सो आज मैं वीडियो तो लेकर आया हूँ ST100 पर, बट ये वीडियो थोड़ी स्पेशल होने वाली है बिकॉज जैसा कि आप सभी को मालूम है कि इसकी अभी करंटली प्राइस है 17,999, मतलब अराउंड 18,000 रुपीज़ की प्राइस है विदाउट एसेसरीज। बट आज इसमें ऑफर चल रहा है, दिवाली ऑफर, जो कि अराउंड 7 नवंबर तक है, जिसमें क्या कुछ एसेसरीज पे आपको बेनिफिट होने वाला है वो बताने वाले हैं। देन साइकिल के पूरे स्पेसिफिकेशंस आपके साथ में शेयर करूंगा। सो मेरे साथ आज ज्वाइन हो रहे हैं मिस्टर नीरज। अभी मैं पहले आपको बता देता हूँ क्या कुछ एसेसरीज में आपको ऑफर है, देन हम पूरी डिटेल में साइकिल को कवर करने वाले हैं। तो चैनल पर कोई भी नया है तो रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। गाइज, जैसा कि मैं आपको ऑफर की बात कर रहा था तो सबसे पहले बता देता हूँ, आप में से कोई भी साइकिल परचेस करेगा तो नीडेड एसेसरीज क्या हो जाती है, लाइक ये मडगार्ड की जो प्राइस है वो है अराउंड 1200 रुपीज़। देन साइड स्टैंड तो नेसेसरी है, आप बिना उसके मतलब साइकिल को टिका भी नहीं सकते हो, इसकी प्राइस है अराउंड 700 रुपीज़। देन हेलमेट की बात करें तो ये आपको अराउंड 2300 का आएगा, ये बॉटल होल्डर 300 का है। सो ओवरऑल अगर इनकी प्राइसिंग की बात करें तो अराउंड 4500 रुपीस की हो रही है। तो अगर साइकिल की प्राइस को इंक्लूड करके देखें तो 18000 प्लस 4500, मतलब अराउंड 22500 की इसकी साइकिल अगर आप कंप्लीट एसेसरीज के साथ लेते हैं। बट आपको क्या कुछ इस टाइम बेनिफिट होने वाला है, जैसा कि मैंने बताया 7 नवंबर तक ऑफर है, वो सब आपके साथ मिस्टर नीरज शेयर करेंगे। तो जैसा कि शिवराज ने ऑलरेडी बता दिया कि ये साइकिल और सारे चार एसेसरीज के साथ मिला के 22,500 का अमाउंट हो रहा है टोटल। तो इसमें अब एक ऑफर ये चल रहा है कि आपको सीधे सीधे 2,500 का डिस्काउंट मिलेगा, जो कि 22,000 माइनस 2,500 20,000 हो रहा है। तो आपको 20,000 में साइकिल के साथ मडगार्ड, स्टैंड, बॉटल होल्डर और हेलमेट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट और सेफ्टी एसेसरीज हो रहे हैं, वो आपको मिलेंगे। और ये ऑफ़र आप ऑनलाइन या फिर कोई भी हमारे रिटेल आउटलेट्स में जाके अवेल कर सकते हैं। तरीके से आप में से कोई भी ST100 ले रहा है, देन मडगार्ड एंड साइड स्टैंड तो लगवाई गई, वो जो पूरी प्राइसिंग मिला के जो अराउंड 2000 कॉस्टिंग आती है आपकी मडगार्ड एंड साइड स्टैंड को मिला के, उसमें आपका हेलमेट, बॉटल होल्डर सब इंक्लूड हो रहा है, तो मुझे काफ़ी बढ़िया ऑफर लगा। मतलब अराउंड 4500 की एसेसरीज आपको 2000 इसमें मिल जाएगी। सब ऑफर्स की तो सारी बात हो गई है, जल्दी से मैं आपको साइकिल के स्पेसिफिकेशंस बता देता हूँ। सो ST50 के 2000 डिफरेंस अगर आप ST50 की प्राइस से कंपेयर करेंगे तो 2000 ज़्यादा देकर आपको ST100 आती है। साइजेस की बात करें तो 4 साइजेस आपको इसमें मिल जाएगी, स्मॉल, मीडियम, लार्ज एंड एक्स्ट्रा लार्ज। तो सबसे पहले साइकिल के सस्पेंशन की बात करें तो आप देख सकते हैं संतूर के 80mm के ट्रैवल लेंथ वाले सस्पेंशन है, जो कि काफ़ी बढ़िया सस्पेंशन है, जिसे आप में से किसी को भी कोई साइकिलिंग एंथुजियास्ट हो तो उसे पता होगा संतूर के सस्पेंशन कितने बढ़िया आते हैं। देन टायर साइज़ की बात करें तो 27.5 इंचेस का है, अगर ST50 से कंपेयर करें तो उसमें 26 इंचेस का आता है, बट इसमें 27.5 का प्रोवाइड करा है। एंड दूसरे डिफरेंस की बात करें तो इसमें आपको डबल लेयर्ड रिम मिल जाती है, जो कि ज़्यादा स्टर्टी रहने वाली है, पैची रोड्स पर बहुत अच्छा रिस्पॉन्ड करेगी। अगर फ्रेम की बात करें तो आप देख सकते हो इसकी जो टॉप ट्यूब है इसे स्लांटिंग में दिख रही है, बिकॉज ये यूनिसेक्स फ्रेम है, तो मैन वुमेन दोनों चला सकते हो। मतलब अगर मैं आपने एक साइकिल परचेस करके रखी तो कॉमन सब यूज़ कर सकते हैं। चार साइजेज आती है, आप आपके अकॉर्डिंग ले सकते हो, बट अगर कोई छोटी हाइट वाला है वो एल साइज़ भी चला सकता है, एक्सेल भी चला सकता है, एंड बड़ी हाइट वाला भी मतलब सीट इंक्रीज करके चला सकता है। ऐसी कोई भी इशू इसमें नहीं आने वाला, बिकॉज जैसा कि मैंने बताया यूनिसेक्स फ्रेम है। देन सीट की बात करें तो आपको वही नॉर्मल सैडल मिलती है स्पोर्टी डिज़ाइन में, एंड जैसी आपको ST20 से प्रोवाइड करी है सेम सीट हाइट एडजस्टमेंट है इसमें। हैंडल बार की बात करें तो आप देख सकते हो इसमें आपको थंब शिफ्टर्स मिल जाते हैं, यहाँ पर 3 एंड यहाँ पर 7 × 3 21 गियर्स का सिस्टम है, जो कि हम गियर्स आगे डिस्कस करेंगे। एंड हैंडल काफ़ी बढ़िया है, हाइट काफ़ी अच्छी है ना, आप सस्पेंशन देख सकते हो बहुत ही रिस्पॉन्सिव है। देन ब्रेक्स की बात करें तो आप आगे देख सकते हो यहाँ पर नॉर्मल वी ब्रेक सिस्टम प्रोवाइड करा है, जो कि अधिकतर आपको रॉक राइडर की सारी साइकिल बेसिक साइकिल्स में आपको देखने को मिलेगा, एंड बहुत इफेक्टिव ब्रेक है इसकी। एंड ब्रेक पैड काफ़ी अच्छे, अगर आप ST50 से कंपेयर करेंगे, कौन सा भी नियर बाय आउटलेट विजिट करते हो तो आपको कंपेरिजन पता चल जाएगा कि ST50 एंड 100 के ब्रेक पैड्स में क्या डिफरेंस है। सो ये तो फ्रंट था। देन गाइज, मैं अभी आपको जल्दी जल्दी स्पेसिफिकेशन इसलिए बता रहा हूँ बिकॉज बाद में नीरज आपको डिटेल में बताएंगे, बिकॉज इसके जो टीथ वगैरह के स्पेसिफिकेशन से मुझे इतने डिटेल में नहीं पता, इसलिए मैं ऊपर से एक बार शॉर्ट में कवर कर रहा हूँ। देन रियर में अगर आप देखेंगे तो स्टैंड तो एज ए नेसेसरी का पार्ट है, बाकी यहाँ पर देखेंगे तो माइक्रोशिफ्ट के गियर मिलते हैं, 7 × 3 21 गियर्स का सिस्टम है, एंड बाकी आप एक बार कलर ये चेकआउट कर सकते हो। एंड दो कलर चॉइसेस आपको इसमें मिल जाती है ST100 में, ये ग्रे वाली आप देख सकते हो जो कि यहाँ पर खड़ी है। दोनों साइकिल्स कंप्लीट एसेसरी लगकर है, बिकॉज आप जो भी कोई परचेज करने जाएगा
आपको विदाउट एसेसरीज मिलेगी, और एसेसरीज के बारे में मैं आपको शुरुआत में बता ही चुका हूँ। सो गाइस अब हमारे साथ कृष्णा भी ज्वाइन हो गए, तो वो एक बार आपको डिटेल में सारे स्पेसिफिकेशन बता देंगे। ओके सो अगेन एक बार मैं डिटेल्स में आपको एक्सप्लेन करना चाहूँगा एसटी 100 के बारे में। बेसिकली अगर डिकैथलॉन की बाइक में बात करें एमटीबी के लिए तो बेस्ट सेलिंग मॉडल है, बिकॉज अगर कोई एसटी 50 जो कि 16,000 का है वो लेने वाले जो लोग होते हैं, सो उनको अगर एसटी 100 हम बता दें तो ईजिली एसटी 100 में वो मीन्स क्योंकि उनको बड़ा व्हील साइज मिलता है, डबल लेयर का रिम मिलता है एंड थंब शिफ्टर मिलता है, ये तीन चीज़ें हैं। फोर्थ ये है कि उसमें आपको स्लांटिंग मींस यूनिसेक फ्रेम मिल जाता है, सीट आप काफ़ी नीचे कर सकते हैं। सो ये तीन चार चीज़ें हैं जो इसको थोड़ा यूनिक बनाती हैं। सो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ डिटेल्स में। सो सबसे पहले बात करते हैं व्हील की। सो इसका व्हील है 27.5 इंच एंड इसका डबल वॉल रिम रहेगा जो कि इसका वेट कैपेसिटी बना देता है 100 एंड अगर आपका बिलो 130 केजी है तो आप आराम से यूज़ कर सकते हैं। जैसे मेरे को बहुत से कमेंट आते हैं कि हम 100 केजी अबाउ हैं तो वो भी इसको इजीली चला सकते हैं। इजीली नो डाउट, क्योंकि 26 इंच है एंड अगर सिंगल लेयर रिम है तो एक वेट कैपेसिटी का इशूज़ रहता है। लाइक आप अगर 100 हैं एंड 110 है तो अगर आपने केयरफुली नहीं चलाया तो व्हील बैंड होने के चांसेस बहुत रहते हैं। ड्यूरेबल रहने वाली है, कोई दिक्कत नहीं। या कभी नहीं। एंड जैसे व्हील मैंने एक्सप्लेन कर दिया, देन अभी आते हैं सस्पेंशन पे। सो इसमें इस साइकिल में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो किसी भी डिकैथलॉन की बाइक में अगर वो सस्पेंशन है तो संतूर से ही स्टार्ट है। सो इसमें 80mm का ट्रेवल मिलता है आपको, साथ ही साथ इसमें 5 साल का आपको वारंटी मिलता है सस्पेंशन पे। ओके सो अब आ जाते हैं फ्रेम्स पे। सो इसका जो फ्रेम है लाइक ये जो जॉइंट है, ये जॉइंट है, कोई भी जो जॉइंट है, इनमें डिकैथलॉन प्रोवाइड कराता है आपको लाइफ टाइम वारंटी। बट एक कंडीशन रहेगा कि एक्सीडेंटल कंडीशन नहीं होना चाहिए, या उसके साथ में जॉइंट्स खुला है अगर उसके साथ में कहीं और से ट्यूब ब्रेक हुआ है तो आपका वारंटी फॉल्स हो जाएगा। बस आपको ये ध्यान रखना है, ब्रेक हुई है, जॉइंट ओपन हुआ है लेकिन एक्सीडेंटल केस है या काफ़ी ज़्यादा डेंट लगे हैं किसी और फ्रेम पार्ट में जो कि ये साबित करते हैं कि आपका एक्सीडेंट हुआ है या क्रैश हुआ है, देन वारंटी फॉल्स हो जाएगी। बट नॉर्मल यूज़ में अगर आपका जॉइंट खुलता है तो आप वारंटी क्लेम कर सकते हैं। सो इसके लिए लाइफ टाइम वारंटी रहेगी। एंड सीट पोस्ट पे अगर आएँ तो इसका सीट पोस्ट का लेंथ भी काफ़ी अच्छा है, ये इसका इतना अंदर करना रहता है। देन ये आपका मैक्स हाइट है, यानी ये एल साइज बाइक है तो आप देख सकते हैं इसका मैक्सिमम हाइट कितना है एंड लोवेस्ट साइड काफ़ी नीचे है, ये वाला पोर्शन जो है इतना और नीचे किया जा सकता है इसको। मेरे ख्याल से जो 6 फीट भी है वो इसकी सीट ऊपर करके इजीली चला सकता है, कोई दिक्कत। इसलिए अगर आपको बहुत थोड़ा सा चलाना है, लाइक आपकी फैमिली में एल साइज बेसिकली होता है 5'8", 5'9", 5'10" के लिए, लेकिन आपके घर में ये साइकिल है, आपका हाइट ज़्यादा है या थोड़ा सा कम है तो आप चला सकते हैं, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड फिर अगेन ब्रेक्स पे आ जाते हैं। सो ब्रेक इसका वी ब्रेक है, लेकिन अगर ब्रेक पैड की बात करें तो ब्रेक पैड काफ़ी अच्छी क्वालिटी के आते हैं एंड ब्रेक्स इतने तेज़ हैं कि अगर आप सडन ब्रेक्स फुली अप्लाई करते हैं तो आप गिर भी सकते हैं। ओके एंड लास्टली गियर पे आते हैं। सो गियर इसका 3x7 है, माइक्रोशिफ्ट के गियर सेट आते हैं जो कि बिटवीन अपने लिए अपने ब्रांड्स के लिए गियर्स बनवाता है। सो ये माइक्रोशिफ्ट के हैं, मोस्टली लोगों का लगता है कि वो बिटवीन के गियर्स हैं जबकि ऐसा नहीं होता, ये माइक्रोशिफ्ट के गियर्स हैं 3x7। सो ओवरऑल अगर देखें आपको अगर 20,000 के अंदर की साइकिल चाहिए सो इससे बेस्ट ऑप्शन मुझे नहीं लगता कोई और होगा, एंड जो कि आपको एल्युमिनियम बॉडी प्लस 3x7 डबल लेयर रिम एंड साथ ही साथ आपको संतूर का सस्पेंशन जो प्रोवाइड करा रहा हो वो भी 80mm ट्रैवल। ऑल राइट गाइज, यही थी आज की वीडियो। जैसा कि हमने ऑफर शेयर कर दी आपके साथ, मैंने थोड़े बहुत स्पेसिफिकेशन बता दिए, देन डिटेल में आपको मिस्टर कृष्णा ने बताया कि ये साइकिल क्यों लेना चाहिए। बाकी तो बेस्ट सेलिंग है ही, मतलब MTB में देखा जाए तो 20,000 में वन ऑफ द बेस्ट सेलिंग है डिकैथलॉन की। यहाँ पे भी बेस्ट सेलिंग है, लाइक किसी भी कोई भी अगर 12,000 या 16,000 वाला साइकिल लेने वाला रहता है सो थोड़े पैसे मिला के वो इस पर जाने के लिए तैयार रहता है। कई बार कुछ फैमिलीज आती हैं, लाइक पेरेंट्स आते हैं बच्चों के साथ में, सो उनको ये भी ऐसा बाइक चाहिए जिसमें वो भी चला सकें, उनकी फैमिली में लाइक उनकी वाइफ भी चला सकें, उनके बच्चे भी चला सकें। सो इनकेस कोई अगर 5'8" का है एंड उनके घर में बाकी लोग 5'5" एंड 5' के हैं सो मीडियम साइज़ लेके चला सकते हैं। ध्यान रखना है कि जो रेगुलर चला रहे हैं उनके हिसाब से आप साइज लें। ऑल राइट गाइस, बाकी सारे स्पेसिफिकेशंस मैंने आपके साथ शेयर कर दिए, देन इसके बाद रिवर साइड 500 पर भी डिटेल वीडियो आने वाली, बिकॉज नया कलर अभी रिसेंटली लॉन्च हुआ है, देन बहुत सी आपको वीडियोस रिव्यूज़ मिलने वाले हैं। आप में से किसी को कौन सी पर्टिकुलर साइकिल पर देखना हो तो एक बार कमेंट में ज़रूर बता देना एंड चैनल पर कोई भी नया हो तो रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, उसी के पास आपको बेल आइकन मिल जाएगा उसको प्रेस कर लेना जिससे आपको मेरी लेटेस्ट वीडियोज़ के अपडेट मिलते रहेंगे।